जिले में आई भयानक बाढ़ ने काफी कुछ बदल दिया है। जिंदगी तो दूर, मौत भी इससे अछूती नहीं रह गई है। ऐसा ही कुछ हाल गोरखपुर में बैकुंठ धाम का है, जहां राप्ती नदी ने राजघाट पर दाह संस्कार तक की जगह को अपने आगोश में ले लिया। ऐसे में उन परिवारों के सामने चुनौती खड़ी हो गई जिनके यहाँ किसी का निधन हो गया है। सुनिए क्या कहना है। बहुत दिक्कत हो रही है भाई, यहाँ पे जो भी जो स्थान थे वो तो पूरी तरीके से अपना पानी के उसमें आ गया है। अब ये समस्या ये है कि जो रोड ये नीचे उतरी हुई है उस रोड पे ही बस दाह संस्कार किया जा रहा है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, यही रोड पे ही हो रहा है। समस्या काफ़ी क्यों नहीं है भाई, मान लीजिए एक साथ चार वो हो जा रहा है तो भाई उसी में अपना जगह की कमी है। जी जी जी, नहीं कोई साधन नहीं है और बहुत समस्या है। पानी बढ़ जाने के कारण 100 कई आ रहे हैं, उसमें जो है इधर उधर एडजस्ट करके जो है दाह संस्कार किया जा रहा है। खुले बारिश भी हो सकता है और उससे और समस्या बढ़ सकता है, जो कि यहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, रोड पे मजबूरी है दाह संस्कार करना। आपको बता दें, राप्ती नदी में आई बाढ़ ने जब अपने किनारे घाट को अपने आगोश में लिया तो लोगों ने अत्यंष्टि के लिए बैकुंठ धाम को सहारा बनाया, लेकिन लगातार बढ़ते जल स्तर के कारण वह भी जल में विलीन हो चुका है। ऐसे में अब लोगों को शवदाह में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग सड़क पर शव जलाने को मजबूर हैं। SPN 9 न्यूज़ के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।